पर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि विभाग से जुड़े काम हो रहे हैं, अब सारे कार्य को ऑनलाइन किया जा रहा है। ऑनलाइन कार्य होने से ग्रामीणों और किसानों को फायदा होगा, लोगों को दफ्तर के चक्कर काटने की परेशानी से निजात मिलेगी। देश के आजादी के बाद तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक सोच थी और उसके बाद में एक फैसला उन लोगों ने किया कि जो किसान अपने जमीन के ऊपर काश्त कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उस किसान को उसका मालिकाना हक मिले जमीन का। राजस्थान में 15 अक्टूबर 1955 को मोहनलाल सुखाड़िया जी तत्कालीन मुख्यमंत्री वो उनकी सरकार ने फैसला किया था और टीनेंसी एक्ट लागू किया था। इस कारण आज 15 अक्टूबर को राजस्थान में राजस्व दिवस मनाया जा रहा है। आज़ादी के बाद में प्रथम अवसर है यह आज राजस्व दिवस मनाने का, और राजस्व दिवस के माध्यम से हम लोग अपने राजस्व विभाग के अंदर क्या पूरे साल के अंदर हमारी फैसले हुए हैं, आने वाले समय में हम लोग क्या फैसले करेंगे, और एक परिवार को एक दिन को पैरामीटर रखते हुए हम लोग ये कार्य करेंगे। मंदिर माफी का संदर्भ में जो स्थितियां है वो सब लोगों को अच्छी तरह से पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये प्रकरण चल रहा है। 1991 के अंदर जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई थी, तत्कालीन सरकार ने फैसला लिया था कि जो पुजारी उसकी खुदकास्त कर रहा है उनको उनका खातेदारी का अधिकार दिया जाए, पर उसके बाद में माननीय जो न्यायालय के आदेश के कारण ये आज के समय के अंदर स्थिति स्पष्ट थी। राजस्थान सरकार उसके बाद में भी आई, तब भी उन्होंने इस प्रकार का ही फैसला लिया, और आज भी हम लोग उच्च न्यायालय के अंदर इस संदर्भ में पैरवी भी कर रहे हैं और इस अनुरूप फैसला भी कर रहे हैं कि ये मंदिर माफी की जमीन जो खुद कास्ट कर रहे हैं उन लोगों को मिली जाए। नहीं, ये तो सतत प्रक्रिया है कि जो जमीन है उसका रिकॉर्ड राजस्व विभाग रखता है। हर समाज को अधिकार है अपने बारे में कुछ मांगे रखने का, और जो व्यवस्थाएं हैं उनके माध्यम से ही मेरी अपील है कि हर व्यक्ति हर समाज अपनी मांग रखे, और राजस्थान सरकार संवेदनशील सरकार है और वो उसके अनुरूप ही उनकी मांगों के अंदर जो कानूनन तौर पर व्यवहारिक तौर के ऊपर जो राजस्थान सरकार के पास है स्थिति है उसके अनुरूप उनको फैसला करेगी। उनके हाँ बिल्कुल संवेदनशील सरकार है, हर मामले को लेकर भी है। अगर गुर्जर आंदोलन के संदर्भ में आप स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हो, हाँ बिल्कुल गंभीर थे। भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हम लोग नेहरू के वंशज हैं, हम लोग अपनी आलोचना के लिए किसी से नाराज नहीं होते, उल्टी जिनको चाहे कवि हो, पत्रकार हो, साहित्यकार है, वो अगर ये व्यंग और आलोचना नहीं करेंगे तो हमारे समाज के अंदर और कौन करेगा। आलोचना नहीं कर रहे हैं, तथ्यात्मक चीज नहीं रख रहे हैं तो चिंता का विषय, वो अगर उन्होंने आलोचना की होगी तो बिल्कुल उनका अधिकार है आलोचना करने की, कोई गलत डिसीजन नहीं लिया। और पति और पत्नी अपने आप में स्वतंत्र भी। प्रदेश में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, एक कक्षा कंटेंट का लोक